ये सेंसेशनल मर्डर केस जो लगभग 6 महीने तो ऊपर हो गए ने, पुलिस नू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 1 अक्टूबर नू मिली सी, आउट कीता ते 6 महीने दे डिटेल इन्वेस्टिगेशन दे बाद पुलिस ने 3 बंदे अरेस्ट इस किते ने। तीनों की जो एज प्रोफाइल हैगी 20 तो 30 साल हैगी है। ये तीनों ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट करके ये इन्हों देनदारी सी, पैसे इन्हों को नहीं सीगे। इन्होंने फ्यूल पंप ओनर करके ये एज्यूम किया कि इन्हें भल्ला को काफ़ी पैसे हैगे है। सारे डर के कारण तो ये आइडेंटिफाई भी हो गए थे। दैन दे थॉट कि हुण कोई ऑप्शन नहीं हैगा, दैन दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, तो इन्होंने नहर पर सुट्टा। तो कॉज ऑफ डैथ जो है हैड इंजरी। आर्थिक हालत कमजोर हुई तो नौजवान तुर पे जुर्म की दुनिया वाल, घर बैठे वड्डी वारदात। रूपनगर विच 6 महीने पहले एक वड्डी वारदात हुई सी जिथे पेट्रोल पंप के मालिक नूं दा कतल कर दिता गया सी। पुलिस वालों इस मामले विच स्पैशल जांच टीम बनाई गई जिसने 6 महीनों की मेहनत तो बाद आरोपियों नूं गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने की दसिया, तुसीं भी सुनो। ये रोपड़ पुलिस वालों ये सेंसेशनल मर्डर केस जो लगभग 6 महीने तो ऊपर हो गए ने, पुलिस नू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 1 अक्टूबर नू मिली सी कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी रिकवर हुई सी। ते उसके बाद पुलिस ने वर्कआउट किया, तो वख वख पहलुआं नू एग्जामिन करन लई SIT ने इस केस च इन्वेस्टिगेशन की, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ह्यूमन इनपुट्स बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, ते टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तो जिवें कि ये एक लोकल एरिया के हिसाब नाल सेंसेशनल केस सी, फ्यूल पंप ओनर सी, तो विक्टिम दी सोशल एक बियरिंग भी चंगी सी, कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई बात ऐसी नहीं सी। पुलिस ने सारा वर्कआउट किया, तो 6 महीने दे डिटेल इन्वेस्टिगेशन दे बाद पुलिस ने 3 बंदे अरेस्ट इस किते ने। तीनों की जो एज प्रोफाइल हैगी 20 तो 30 साल हैगी है। ये तीनों ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट करके ये इन्हों देनदारी सी, पैसे इन्हों को नहीं सीगे। इन्होंने फ्यूल पंप ओनर करके ये एज्यूम किया कि इन्हें भल्ला को काफ़ी पैसे हैगे है। दे एज्यूम कि 15 तो 20 लाख जो है कम से कम पैसे इन्हों मिल सकते हैं। इस करके इन्होंने सारा प्लैन किया, रेकी की सिलेक्टिवली टारगेटिंग करके पूरा वर्कआउट किया। तो 30 तारीख की रात को जब फ्यूल पंप ओनर सुरेंद्र भल्ला रात को अपना काम करके जब निकले, तो इन्होंने नाल दी नाल पीछा कर दे गड्डी नू, जो ये गड्डी ते सवार सी इन्होंने स्कूटी ते हिट किया, ते ओवर पावर करके स्कूटी ते और सारी चैक की। ते इस जद्दोजहद ते ब्रूटल इंजरी हुई, उसके बाद गड्डी ते लैके इसनू पीछे लै गए। फिर इन्होंने सोचा कि पैसे हुण मिल तो नहीं सके, तो कॉल की जाए, फिर कोई मोबाइल भी नहीं मिले। तो इस सारे डर के कारण तो ये आइडेंटिफाई भी हो गए थे। दैन दे थॉट कि हुण कोई ऑप्शन नहीं हैगा, दैन दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, तो इन्होंने नहर पर सुट्टा। तो कॉज ऑफ डैथ जो है हैड इंजरी, तो ड्राउनिंग इस केस च हैगी है। पुलिस ने सारे पक्षों एनालिसिस करके ये पाया हैगा कि जो इनिशियली रॉबरी दी गल सी, वो इन्होंने रैनसम कोशिश की थी, और उसके बाद इवेंचुअली विक्टिम वाज मर्डर्ड। इन्होंने बैकग्राउंड की है जी, की काम कर रहे हैं, एज कितनी है? तीनों की एज प्रोफाइल 20 तो 30 साल हैगी है। ये छुटपुट काम करते सी, जो पिछले लॉकडाउन के समय तो कोई काम ना होने कारण पर इन्हों का काम नहीं रहा, कोई इन्हों के हाथ पैसे नहीं सी, देवर फाइनेंशियली ट्रबल्ड। पेश करते जी कितने दिन का रिमांड ये आज इन्हों पेश करना है। वी विल आस्क फॉर पुलिस कस्टडी सबसटेंशियली, और जो भी इन्वेस्टिगेशन तक गल आऊगी वक् वक् पहलू तो उसमें एग्जामिन करा। रिकवरी की हो इस तीनों? तो रिकवरी मोबाइल फोन जो भल्ला को, चैकबुक, तो
डॉक्यूमेंट्स जो है रिकवर हुए हैं।